So this place has been abandoned. कितना टाइम लगेगा यहाँ से पाकिस्तान इधर से? इधर से 5 मिनट में पहुँचता है. 5 मिनट में पाकिस्तान पहुँचता है. Constructed by the Pakistan authorities here. Ancestral graveyard of this Takshi region. Hazrat Amir Kabir, Amir Sayyid Ali Hamdani Rahmatullahi Alayh. आपका नाम क्या है? Shahid Amin. माशाल्लाह आपका नाम? Parked my motorcycle there and now I'm heading towards my homestay. What's your name? Muhammad Hussain. How much time will it take? So that's the person who will be taking me to his homestay. It's going to be my stay for the night. This is my stay for the night here. इसको क्या कहते हैं ये वाला जो है? चुनमा. चुनमा सब्जी. इसको किसीर कहते हैं. ये वाला किसीर. ये किससे बनता है? ये मतलब दूसरे आटे. आटे से दूसरे आटे नहीं दिए. अच्छा एक अलग आटा होता है. ये क्या पता है? लकड़ी. ये लकड़ी इसको ऊपर नीचे करने के लिए इसलिए लगाते हैं. पूरा लोकल चक्की देख रहे थे जो कि पानी से चलती है. So I met a taxi right now. I was very fortunate enough to have this kind of a cab which they get from Gilgit, Baltistan. So I was fortunate to get my hands on it and right now we're going towards Hazrat Amir Kabir Masjid Sharif. Let's go to it. Hello, kya naam hai? Suhail Abbas. Huh? Suhail Abbas. Suhail Abbas. Aapka naam kya hai? Shahid Amin. MashaAllah. Aapka naam? आपका नाम? चलो शर्मा. आपका नाम? चलो ठीक है. ओके. हाँ ओके. सो आई गॉट इन टच विद सम ऑफ द लोकल फेलोज. दे रियली हेल्प मी आउट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई एम गोइंग टुवर्ड्स दैट पॉइंट. लेट मी शो यू द व्यू. Right now, I just reached a certain place and this is the local kind of, you can say, get together type of place here. People, come and sit over here in numbers. I'm just very much curious to move further ahead in this kind of thing. See you soon. Thank you. Chale ji aate hain. Right now, we're heading towards Masjid Sharif. अभी आप देख सकते हैं. अगर देख सकते हैं यह है हजरत अमीर कबीर का मस्जिद शरीफ. यहाँ पर
यहाँ टैक्सी में आया हुआ था हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह। उन हज़रत ने यहाँ पर कासिम में यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और मेहराब में एक तख्ता है, उसी पर आपने तशरीफ़ फरमाया था, वो मैंने आपको अंदर दिखा दिया। अभी थोड़ी और जानकारी अभी दूसरे भाई हमारे इस बारे में देंगे। हज़रत अमीर कबीर मैंने यहाँ पर पछली बैठक आप यहाँ से इस्लाम का मतलब प्रचार करके वहाँ से गए थे कश्मीर वाया कम जगह। यहाँ पर एक लकड़ी है मेहराब के अंदर जो आप उसी लकड़ी के ऊपर बैठा था। यहाँ से पहले सर यहाँ पर बुजुर्ग होता था बुद्धिस्ट, अब नहीं जो नहीं पता, फिर यहाँ से मतलब ये गाँव में सब पहले बुद्धिस्ट करने का। चलिए भाई, शुक्रिया शुक्रिया भाई। दिस इज ऑल अबाउट इट। मैं यहाँ पर आया नमाज अदा की यहाँ पर। आई होप बाकी सब लोग भी इधर इस जगह के बारे में जानने के बाद इधर विजिट करेंगे। I've reached another place. Let's hear it out from this guy. सर ये जो पहाड़ देख रहे थे टॉप वाला जहाँ बर्फ है ना सर, हाँ हाँ वहाँ पर पाकिस्तान दो पोस्ट सर यहाँ पर सर कर दिया। अगर हमें ईद के टाइम यहाँ पर पाकिस्तान वाले वो मतलब आग लगाते हैं, वो लोग बताते हैं कि हाँ कल ईद हो रही है, हमें पता नहीं चलता यहाँ चांद। ईद पर आपको पता नहीं होता है कि अभी ईद है, तो वहाँ पर वो अच्छा खासा वो आग जलाते हैं ताकि आपको पता चलता है। रात को जलाते हैं फिर नेक्स्ट दिन आपको अभी मनाते हैं। अभी इंडिया के साथ ईद नहीं मनाते, आप अलग ईद मनाते हैं। वही बोल रहा हूँ ना, 700-600 कब्रिस्तान है, ये 40-45 साल पहले वाला कब्रिस्तान सब यहाँ पर दफनाया हुआ। अब जो नया जो डेट होता है इधर नया नहीं, इधर नया नहीं होता। अब यहाँ पर जगह भी मतलब इतना है नहीं। दिस हैपेंस टू बी द एंसेस्ट्रल ग्रेवयार्ड ऑफ दिस टक्शी रीजन एज पर इनपुट्स प्रोवाइडेड बाय द लोकल्स। अराउंड से मोर देन 700 graves in this very region. These are particularly around say 60-70 years old. So let's have a look at it. This very particular grave, which is being bounded by and the woods, happens to be the grave of the great king. After covering this very thing over here, we're going to visit the another place. Let's yeah, shukriya. Winds are gushing. I'll be taking that route from that side. Okay, it's fun. And this happens to be the apricot tree. But July may pakta hai. It'll ripe probably by the end of this month or maybe July. Haan idhar hi hai sukul. So this happens to be the school. स्कूल जो है बहुत पुराना स्कूल है, जो पाकिस्तान के टाइम पे जो ये पहले पाकिस्तान का था उस टाइम पे बनाया था ये स्कूल। उसके बाद ये हमारा इंडियन गवर्नमेंट चलाता था। अभी 2012 में ये स्कूल बंद किया, ये पूरा गांव को कब्जा किया था। ये स्कूल भी था गांव में, इसीलिए पाकिस्तान वालों ने बना के फिर जो इंडिया वालों ने इधर कब्जा किया उस टाइम पे छोड़ के गया है। तो इधर एक दो तीन क्लास है और इधर दो क्लास है, नीचे इनका जो स्टाफ रूम और ऑफिस नीचे बना हुआ है। चलिए देखते हैं, नीचे जाके देखते हैं। ठीक है सर, स्कूल है ना? हाँ सर। तो ये स्कूल का एंट्रेंस है। ये अपना इंडियन गवर्नमेंट हाई स्कूल टैक्सी। ये जो दो बिल्डिंग है ना सर, ये जो दो बिल्डिंग ये पाकिस्तान ने बनाया था। तो ये वाले जो तीन रूम्स है, सो लॉन्ग बैक दिस थ्री रूम्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय द पाकिस्तान अथॉरिटीज इन 1969। ये था उनका ऑफिस सर। Better to educate one's child than to give gold in charity. 9th March 1970, sir. Upgraded on 11th December
1987. Okay, let's come around and see the other room. Staff room. This is the staff room. And you can see it's all made of wood. It happens to be the kitchen, and now they're putting some firewood here. There is some firewood, and all window panes are gone. This happens to be the assembly section. The L section one has been constructed by the Indian authorities here. Primary education is being imparted to students somewhere down the village. So this place has been abandoned. ये जो लाल नजर है ना? हाँ, this the red peak. हाँ, red peak से नीचे 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 ये कोना नजर है ना? Yes, yes. इधर तक इंडिया रहता है. Okay. इसके पीछे बर्फ नजर है ना? हाँ हाँ. इसका टॉप का पूरा 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 इसका टॉप. उसका पीछे वाला हाँ. जो ये काले के पीछे नजर है ना? हाँ. इसका टॉप में भी पूरा पाकिस्तान है. जो ये काले का टॉप है ना? हाँ. ये अपना इंडियन आर्मी. ओके वो पीछे बर्फ वाला वो भी पाकिस्तान का है. पाकिस्तान का उस तरफ का पूरा पाकिस्तान का. The thing is Pakistan and this is also Pakistan but a portion of it is confronted by India and that thing is entirely of Pakistan. ये वाला रोड है. ये रोड से उधर दो ब्रिज नजर है ना? हाँ हाँ. उससे सीधा जाना है. कितना टाइम लगेगा यहाँ से पाकिस्तान? इधर से इधर से 5 मिनट में पहुँचता है. 5 मिनट में पाकिस्तान पहुँचता है? हाँ, मोटोर में पहुँचता है. उनका गाँव फ्रंट में. सो गाड़ी में जाएगा तो 5 मिनट पहुँचेगा, अगर पैदल जाएगा तो आधा घंटे. So, as per the reports, he says that the walk to Pakistan area is around half hour by foot and 5 hours by driveway. तो पहला कौन सा रास्ता आता है वहाँ पर? रनु. रनु एक जगह है, हमारा लैंग्वेज का नाम. वो पाकिस्तान का ही एरिया पूरा है. वो उस एरिया से पाकिस्तान शुरू हो जाता है. कर दो 153. ओके, कर दो 153. यहाँ का ले होते हैं ना सर, यहाँ का कश्मीर होते हैं.